डियर स्टूडेंट, आज हम राई सरसों की खेती के क्रम में इसका उत्पादन जो है विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कनाडा में होता है और कनाडा के बाद यूरोपीय यूनियन, चाइना और भारत का चौथा स्थान है। भारत में अगर अपने देश में देखा जाए तो सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है और इसके बाद हरियाणा, तीसरे पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है और कुल उत्पादन का यूपी 9.8% उत्पादन करता है। सरसों पर और राई और सरसों पर अनुसंधान के लिए 1993 में भरतपुर राजस्थान में NRC नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मस्टर्ड एंड रेप सीड की स्थापना की गई, जिसे ग्रामीण योजना में अपग्रेड करके डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च ऑन मस्टर्ड एंड रेप सीड यानी सरसों अनुसंधान निदेशालय इसको बना दिया गया। आज सरसों के बारे में विस्तृत शोध यहाँ पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त क्लाइमेट, सरसों के लिए जलवायु कैसी चाहिए, तो चूँकि यह रबी सीजन का क्रॉप है इसके लिए ठंडे और शुष्क क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। जर्मिनेशन के समय मिट्टी में नमी होनी चाहिए, ठंडी जलवायु चाहिए तथा पकते समय ड्राई यानी शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। और इसमें फ्लावरिंग और दाना पड़ते समय पाला पड़ना या क्लाउडी या कोहरे जैसा मौसम का बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है यानी नुकसान करता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त राई और सरसों की बुआई के लिए मिट्टी के चुनाव में, वैसे तो इसे हम बलुई दोमट से चिकनी दोमट मिट्टी में सभी में उगा सकते हैं, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम होती है और जिसका pH मान न्यूट्रल लगभग 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें इम्प्रूव्ड वैरायटी, सरसों की उन्नतशील खेती करने के लिए प्रजातियों का चयन सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो इसमें राई यानी इंडियन मस्टर्ड में सबसे ज़्यादा प्रजातियां निकाली गई, जैसे पूसा बोल्ड, पूसा अग्रणी, पूसा बरानी, बरुड़ा या टाइप 59 इसको बोलते हैं, नरेंद्र अगेती राई 4, नरेंद्र अगेती राई 4, बसंती, रोहिणी, माया, उर्वशी, पूसा 0031, करिश्मा, किरण, शेखर और क्रांति, कृष्णा और सौरभ, ये तमाम प्रजातियां इंडियन मस्टर्ड निराई की है। इसके अतिरिक्त आशीर्वाद और वरदान, ये दो प्रजातियां विलम्ब से बुआई के लिए हैं राई की प्रजाति, और ऊसर मिट्टी में अगर वो सेलाइन या अल्कलाइन सॉयल है तो वहाँ पे बुआई के लिए नरेंद्र राई CS52 और CS54, ये उसरीली मिट्टी के लिए तीन प्रजातियों का रिकमेंड किया गया है। और नेक्स्ट इसमें है कि राई में जो असिंचित एरिया, अभी तक ये ऊपर की जितनी प्रजातियां हैं ये तो सिंचित क्षेत्रों के लिए, अगर असिंचित एरिया में बुआई करना है तो उसके लिए वैभव, गिरिराज, नरेंद्र राई 4, पूसा सरसों 27 तथा बरुड़ा या टाइप 59 की बुआई करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त तुरिया या लाही के लिए टाइप 9 काले रंग की होती है, भवानी, PT30, PT303, तपेश्वरी, उत्तरा और टेप्सवारी, और टाइप 36 से पीले रंग की होती है, PT507, पूसा बहार IRI नई दिल्ली से निकली है। इसके नेक्स्ट जो है भूरी सरसों में कुछ प्रमुख प्रजातियां जैसे पूसा कल्याणी है, सुफला, BSH1, D52, BS2, BS70, और येलो या पीली सरसों में रागिनी, K88, टाइप 42, टाइप 151, पीताम्बरी और नरेंद्र सरसों 2। और
तारामीरा जो रिक्वेस्ट टाइप है, तारामीरा है जिसकी खेती राजस्थान में होती है, यानी कम पानी जाने वाली फसल है और ड्राट रेजिस्टेंट क्राप कह सकते हैं। तो इसकी प्रमुख प्रजातियां टाइप 27 करण तारा, ITSA नरेंद्र तारा, ज्वाला तारा और जोबिनेर तारा, ये तारामीरा की कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं। तो इसको आप लोग अपने नोटबुक में लिख के इसको तैयार करिए, नेक्स्ट दूसरे वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।